नगर निगम टैक्स विभाग के कर्मचारी फरहान अहमद को निलंबन किए जाने के विरोध में कर्मचारियों का दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। बुधवार को नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कर विभाग के सभी कर्मचारियों ने निलंबन का विरोध किया। समन्वय समिति के अध्यक्ष ने कहा कि त्योहारों की वजह से नगर आयुक्त व्यस्त हैं। नगर आयुक्त को कर्मचारियों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, उनको कर्मचारियों से वार्ता करके समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन गलत बयानबाजी कर रहे हैं जिसका हम त्योहार के बाद जवाब देंगे। जब तक निलंबन वापस नहीं होता तब तक हम कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे रहेंगे। इस अवसर पर नगर निगम कर्मचारी समन्वयक समिति के पदाधिकारी सदस्य और भारी संख्या में कर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने कहा, आज दूसरा दिन है कार्य बहिष्कार का। आज दूसरा दिन है। निर्णय इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नगर विकास मंत्री दोनों ही इस गोरखपुर शहर में हैं, इसलिए नगर आयुक्त और नगर निगम प्रशासन के सभी अधिकारी उनके स्वागत में व्यस्त हैं। कर्मचारियों की समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं है। कर्मचारी आज दूसरे दिन पे भी जो है नगर निगम की वसूली नहीं हो रही। इनकी चिंता नहीं है कि नगर निगम की वसूली कैसे हो। कर्मचारियों की जो जायज़ मांग है उस पर तत्काल बैठ के आपस में निर्णय करके इसका समाधान करना चाहिए, लेकिन अखबारों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि नगर आयुक्त के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम लोग अनुशासनहीनता कर रहे हैं। हम वार्ता होती हमें बताया जाए, हम बताते हैं हमको कि कैसे हम लोग अनुशासित होकर हम अपने नगर निगम के कार्य में सेवा दे रहे हैं। हमने ऐसी परिस्थिति होने के बाद भी जो महानगर जो धार्मिक त्यौहार चल रहा है, हम लोगों ने उसको भी धार्मिक त्यौहारों को देखते हुए हमने उसको छोड़ा है। हमने उसको कार्य बहिष्कार हड़ताल में नहीं लाया है, लेकिन नगर आयुक्त साहब जो कर रहे हैं इसका जवाब हम दशहरे के बाद उनके उन्हीं भाषा में हमको जवाब दिया जाएगा।